हेलो गाइस, एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। COP26 समिट जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था अभी कुछ दिनों पहले ग्लासगो में, ये रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसने फोकस किया था हमारे जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस को मॉनिटर करने के लिए ये समिट बनाया गया था। इसमें कई देश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो लोग आए थे। उन लोगों ने जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल, जो पॉल्यूशन और जितने भी आने वाले समय में जितने भी महामारी आ सकते हैं उन सबको लिए उन्होंने डिस्कस किया, प्लस जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं कई देशों के, जैसे कि पॉल्यूशन को लेकर, उस पर भी इन लोगों ने अपना विचार इन्होंने व्यक्त किए कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके और कैसे इसको, मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्लाइमेट चेंजेस के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन पॉल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जाए। और कुछ दिनों पहले अभी रिसेंटली जो इनके जो प्रेसिडेंट थे COP26 के, जो बिठाए गए थे प्रेसिडेंट आलोक शर्मा, जिन्होंने ये समिट को प्रिसाइड किया था, और इसमें हमारे जो एनवायरनमेंटल मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट रखा कि जो इन्हें जो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए कहा गया था वो ये कहा गया था कि जो कोयला है उसका यूज़ पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, मतलब क्लाइमेट के व्यूज से अगर इसको प्रोटेक्ट किया ना अगर कर सकें तो जो कोयला है उसको कम्प्लीटली कट आउट कर दें, यानी कि फेज आउट कर दें। अब यहाँ पे दो टर्म्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फेज़ आउट और फेज़ डाउन। सो फेज़ आउट में क्या होता है, फेज़ आउट मतलब जिस जो यूज़ है एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे कोल को फेज़ आउट कर दें, यानी उसका जो यूज़ है आने वाले टाइम में पूरा बंद कर दें, मतलब इसको पूरा शट डाउन कर दें इसका यूज़, इसको कभी भी यूज़ में ना लाएं। और फेज़ डाउन का मतलब है इसका जो जो यूज़ का जो इंटेंसिटी है, यूसेज की जो इंटेंसिटी है उसको कम कर दें, मतलब यूज़ करेंगे बट लिमिटेड क्वांटिटी में इसको यूज़ करेंगे। जैसे आज अगर हम 100% यूज़ कर रहे हैं कोल का, तो आने वाले टाइम में हमें इसको घटा के 20% या 40% तक इसको यूज़ करेंगे, ताकि क्लाइमेट भी, मतलब क्लाइमेट पे भी काम हो सके और अपना इकोनॉमी भी हम ठीक ठाक संभाल के रख सकें। हमारे मिनिस्टर जी जो हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने, उन्होंने ये कहा कि सर हम ये जो आपने जो फेज़ आउट करने की जो बात की है, हम इसको फेज़ आउट नहीं बल्कि हम इसे फेज़ डाउन करेंगे, फेज़ डाउन करना चाहेंगे इसको। तो इसी स्टेटमेंट के बदलते ही, मतलब इंडिया का ऐसा मेजर स्टेटमेंट जो उन्हें कहा गया था फेज़ आउट करने के लिए, उन्होंने इसी स्टेटमेंट को बदल के कहा कि हम फेज़ आउट नहीं जनाब, हम फेज़ डाउन करेंगे इसको। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके पक्ष में US और चाइना दोनों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हाँ, हम इंडिया के साथ हैं, ये सही कह रहे हैं, हम भी फेज़ डाउन ही करेंगे, हम इसको फेज़ आउट नहीं कर सकते क्योंकि कई देश की जो इकोनॉमी है ना वो बिगड़ जाएगी, जो कि कोल पे, जैसे हमारे देश में कोल 90, मतलब ज़्यादातर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, पर मैक्सिमम
जो इलेक्ट्रिसिटी और जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कोल पे ही निर्भर है। अगर हम इसको फेज़ आउट कर दें तो हमारी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी ना, और दूसरे देशों का भी इकोनॉमी बिगड़ जाएगी। जैसे इकोनॉमी बिगड़ी, इकोनॉमी डाउन हो गई, तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो इसको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। और वो भी इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जो भी कि अभी डेवलपिंग कंट्री है। तो US और चाइना ने भी हमारे पक्ष में बात की है, और ये एक डिप्लोमेटिक मूव जो इंडिया ने यहाँ पे रखा है, बहुत ही तगड़ा मूव है, और ये इस बात का प्रमाण है कि हाँ, इंडिया इतना पावर है कि वो अपना स्टेटमेंट खुद रख सके ऐसे डिप्लोमेटिक मैटर्स में, ऐसे बड़े बड़े समिट्स में। और यही था COP26 समिट का जो रिसेंट न्यूज़ जो आया था। और कुछ दिनों पहले भी ये कहा गया था कि हमारे जितने भी हो गया, हाँ यहीं तक हम इसको रखते हैं। तो यही न्यूज़ था जो आप लोगों को देना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसे और इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक आ सकें, आप तक पहुंचाया जा सके। तो